हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी जान चुके होंगे कि पारस ठकराल अब करने जा रहा है नई शादी। जी हाँ गाइस, अब उनकी नई शादी होने वाली है। स्नेहा सचदेव वो पहले ही डाइवोर्स दे चुके हैं और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है हृदय, और अब करने जा रहे हैं नई शादी। जी हाँ गाइस, अब वो नई शादी करने जा रहे हैं और उनकी इंगेजमेंट भी हो चुकी है। आप सभी को पता चला चुका कि अभी कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने व्लॉग चैनल पे अपडेट दिया है अपने सारी फैंस फॉलोइंग को कि मेरी रोका सेरेमनी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। आखिर कौन है न्यू मिसेस पारस ठकराल, उनकी होने वाली न्यू वाइफ कौन है? इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी इंटरनेट पर आ चुकी है। और अभी आप एक और बहुत बड़ी यूट्यूबर नेहा शिश तिवारी को भी जानते होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी फैन फॉलोइंग, अपनी बहुत ही अलग चुलबुले अंदाज के कारण। जी हाँ गाइज, उनकी भी गोद भराई हो चुकी है। तो बहुत सारे गाइज, बहुत सारे लोगों ने ये इमेजिनेशन लगाई है कि शायद नेहा आशीष तिवारी और पारस ठकराल की ही आपस में शादी हो रही है, लेकिन गाइज अभी तक कोई फेस रिवील नहीं किया है, ना ही नेहा आशीष तिवारी के ब्लॉग्स में और ना ही पारस ठकराल के ब्लॉग्स में उनके चैनल में, कि कौन है आखिर उनका होने वाला नया हमसफर। सो गाइज, यदि आपको जानना है कि उनकी होने वाली न्यू वाइफ और नेहा आशीष तिवारी के होने वाले न्यू हस्बैंड कौन है, तो इससे रिलेटेड जानकारी जानने के लिए आपको अभी कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अपना फेस रिवील नहीं कर देते अपने ब्लॉग चैनल पर, तब तक कोई भी इमेजिनेशन करना जो है बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ गाइज, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो ऐसे ही इमेजिनेशन फेक चैनल्स को मत देखिए, क्योंकि अभी तक वो उन्होंने खुद ही अपडेट नहीं किया है, तो आप कैसे गैस कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, पारस ठकराल शादी करने वाले हैं और वो उनका ऑलरेडी रोका हो चुका है। अभी कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ब्लॉग चैनल पर अपडेट दे दिया अपने नया ब्लॉग बनाकर कि मेरा रोका सेरेमनी कंप्लीट हो गई है। तो गाइज, अब सोचने वाली बात ये है कि स्नेहा सचदेवा और उनका जो एक बेटा है पारस ठकराल के साथ में, तो आखिर वो बेटा पारस ठकराल के साथ ही रहेगा या फिर वो उसकी मम्मी को हैंड ओवर कर देगा। तो ये सारी चीजें अभी कुछ पता नहीं चला है, इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे उनके न्यू ब्लॉग्स में। लेकिन अभी रिसेंटली मैं उनका ब्लॉग चैनल देख रही थी, चेक कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि लास्ट 1 ईयर की वीडियोस ही उन्होंने उस पर रखे, बाकी सारी प्राइवेट अनलिस्ट या डिलीट कर दिए। भगवान जाने क्या किया है वो ही जानता है, लेकिन लास्ट 1 ईयर की ही उसमें वीडियो अपलोड्स देखने को मिली है। यदि आप चाहते हैं तो आप भी जा करके देख सकते हैं। जी हाँ गाइस, जो स्नेहा सचदेवा के साथ जो हैप्पी और मेमोरेबल मोमेंट्स उन्होंने बिताए थे, वो सारी वीडियोज उन्होंने अब ये नहीं जानते कि वो प्राइवेट किया, डिलीट किया या फिर अनलिस्ट कर दिया, ताकि लोगों को दिखाई ही ना दे। मुझे नहीं जान हम नहीं जानते एक्चुअल में कि हुआ क्या था, लेकिन वास्तव में जिस लड़की पे यार बीतती है ना, कि मेरे साथ शादी हुई, डिवोर्स हुआ, बेबी हुआ, 3 साल में मतलब उसकी यार जिंदगी ही पलट दी। आप एक बार बताओ, सबके घर में कोई ना कोई एक दो बेटी है तो होंगी ही। यदि पारस ठकराल के पास खुद की एक बेटी होती है, उसके साथ ऐसी चीज हो जाती है, तो शायद वो फील कर पाता, या उनकी खुद की बहनें भी हो, यदि ऐसी चीजें हो तो यार अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो बैठ के यार शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है इस तरीके की चीजें चलती रही ना, ये जो जनरेशन है कि शादी हुआ, डिवोर्स हुआ, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी, यार ये चीजें ना कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है। हाँ, हालांकि सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है। यार बॉन्डिंग इतनी अच्छी, इतना अच्छा प्यार और लव उनकी, इतनी अच्छी केमिस्ट्री हमने स्टार्टिंग में देखी है उनके व्लॉग्स चैनल पर, काफी ज्यादा बढ़िया और क्यूट कपल दिखाई देते थे। लेकिन आज हो क्या गया ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया, इतना बड़ा भी क्या हो गया यार, कि बेबी है, सब कुछ है, बेबी क्या विदाउट लव तो हो नहीं सकता ना, ये भी आप सोचने वाली बात है। और फिर यदि ठीक है, अब देखो स्नेहा सचदेवा वो तो अभी मूव ऑन नहीं हुई है, हालांकि देखो बहुत सारी चीज होती है कि हस्बैंड ना हो तो भाई मूव ऑन कर जाओ, जैसे नेहा आशीष तिवारी के केस में। लेकिन तुम्हारी वाइफ है, सब कुछ है, तो आप लोग बैठ के शॉर्ट आउट कर सकते हैं। झगड़ा डिवोर्स तो किसी चीज का हल नहीं होता, ये मेरी खुद की पर्सनल राय है, मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है यार कि भाई इम्पॉसिबल है, साथ में नहीं रह सकते, ये तो यार ब्रेक लो, लंबा सा ब्रेक लो, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, कभी ना कभी तो चीजें अच्छे से हो ही जाएंगी। लेकिन करने से होती है यार, बिना करे तो नहीं होती, मैं नहीं चाहती ऐसी चीजें कभी हो। अब स्नैपिकर्स देखो, उनके दो दो हस्बैंड एक साथ, मतलब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, फिर भी वो रह रही है ना, उनकी दो दो बेटियों के साथ रह रही है, और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना नया स्टार्टअप किया है, उसी से रिलेटेड न्यू वीडियो आपको कल या परसों आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, यदि आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए और ऐसी ही वीडियोस देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और एक बढ़िया सा अच्छा सा कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, तभी मुझे जान पाऊंगी कि एक्चुअल में मेरी व्यूअर्स को, मेरी फैन फॉलोइंग को मेरी राय, मेरी एडवाइस या मेरा जो
पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कितना सही लगा गलत लगा, वो सारी चीजें मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने आपके कमेंट पढ़ने वाली हूँ, तो डेफिनेटली एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। और आज की इस वीडियो में आपने क्या जाना, कैसी लगी आपको ये वीडियो, नया अपडेट तो आप जरूर बताना। और हाँ गाइज, मैं लाइव आती हूँ आफ्टर 10 o'clock at night। यदि आपको लाइव आके अपने क्वेश्चन एंड आंसर पूछने हैं अबाउट चैनल ग्रोइंग और मोनेटाइजेशन पॉलिसी और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ग्रो कैसे करो, तो इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आफ्टर 10 o'clock यूट्यूब के लाइव पे आके अपने चैनल पे बताती हूँ। तो आप लाइव से जुड़ जाना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, और सभी को नमस्ते। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।